नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन लेखनी न्यूज। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, एमपी मनोज तिवारी की प्रेस वार्ता। पीएम ने 9 साल में बहुत काम किया, मनोज तिवारी। एमपी मनोज तिवारी ने कहा, 2 दिन मोहनलालगंज में रहूंगा। मोहनलालगंज में अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ। मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ नमो ऐप पे, जहाँ पर आपके मन में जितने प्रश्न होंगे उनके जवाब मिलेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है। बहुत कुछ अभी करने है। और उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने जो परिणाम दिया है, उस पे मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि बहुतों को बहुत गर्व होगा। मैं अगले 2 दिन में कभी भी किसी मीडिया के लोगों को हमारे साथ कहीं जाना हो और कुछ बात करना हो, हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे कौशल भाई साहब, हमारे माननीय मंत्री जी, केंद्र के हमारे जिलाध्यक्ष जी, इन सभी के साथ, हाँ, टोटल में 8 दिन उत्तर प्रदेश में पार्टी ने मेरा दिया है। तो अभी आज और कल 2 दिन का ये पहला हमारा समय है। और फिर उसके बाद, क्योंकि हमें, हमारी भी एक लोकसभा है, वहाँ भी हमारे जैसे कोई एक वरिष्ठ आएंगे तो वहाँ भी समय देना है। लेकिन मोहनलालगंज के प्रत्येक मतदाता को, नागरिकों को, मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे कार्यों की समीक्षा जरूर करिएगा, ताकि नरेंद्र मोदी और उनके सिपाहियों से न्याय कर सके। बाकी सब बातें तो बहुत ही डिटेल में ये भी रखते हैं, माननीय कोशिश कराते हैं जी ने आज भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो आवास योजना है प्रधानमंत्री जी, ग्रामीण क्षेत्र में करीब लगभग 23,000 लोगों को आवास मिले हैं। टाउन एरिया जो है उनको छोड़ करके को ग्रामीण क्षेत्र में आवास मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3,03,820 के आसपास जो है उनको शौचालय हमारे लोकसभा क्षेत्र में दिए। आयुष्मान कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में उनका लाभ 3,20,936 लोगों को मिला। इसके अलावा राशन कार्ड जो बने हैं पात्रस्थी योजना के तहत उनको लाभ मिला, उसमें 12,24,600 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। इसमें अंत्योदय कार्ड के जरिए 1,23,900 लोगों को इसका लाभ मिला है। अंत्योदय कार्ड में फ्री राशन करीब किसी को अलग से मिला।